तो यहाँ पे भाई दो बंदों को तो काफी इजीली मार देते हैं और जो इनका तीसरा बंदा होता है देखना भाई एक नंबर कैंपर होता है मतलब देखो यहाँ इसके दो बंदे मिल गए और उसका जो तीसरा टीम होता है भाई वो कहाँ पे देखने को मिलता है हमें देखो भाई यहाँ पे हमें आसपास साउंड आता है देखो भाई यहाँ पे इसका तीसरा बंदे को भी हम काफी इजीली मार देते हैं इस भाई की भाई किस्मत इतनी बेकार होती है कि भाई अभी तक इसके पास सौ होती है और सामने से इनका जो लास्ट टीम होता है वो आता है भाई इन्हें बचाने अब देखो वो बचा पाता है या फिर नहीं अगर सामने मेरे पास भाई ये बॉक्स का कवर नहीं होता तो वो बंदा काफ़ी इजीली हमें मार देता क्योंकि भाई इतना तगड़ा शॉट हमारा पर सामने मेरे पास कवर था तो मैंने कवर ले लिया इस बंदे को काफ़ी इजीली मार दिया तो यहाँ पे भाई नोवो के अंदर जितनी भी भाई इसकॉडियो आई थी वो सब वाइप हो जाते हैं तो अब भाई हम निकलते यहाँ से ये लो, ये लो, ये लो। तो यहाँ पे नोवो छोड़ के हम पहुंच जाते हैं मिल्टा और मिल्टा के अंदर यहाँ पे दो स्क्ड आपस में लड़ी हुई है जिनमें से कुछ बंदे तो ऑलरेडी नॉक पड़े होते हैं तो देखना भाई उनका किल कैसे चोरी करेंगे तो मैं पूरा रोटेट मार के जाता हूँ यहाँ से और जैसे रोटेट मार के जाता हूँ तो मुझे एक नॉक बंदा दिखता है जो शायद दरअसल बॉट होता है शायद रियल बंदे ने इसे नॉक करा होगा और ये नॉक हो होगी मेरे सामने आ गया तो इसका किल चोरी कर दिया तो सामने मुझे एक रियल बंदा दिखता है जो नॉक पड़ा हुआ होता है तो इतने में ये बंदा उसे रिवर्स देने आता है तो इसे भी मैं कर लेता हूँ काफी इजिली नॉक और सामने दिखता है एक बॉट तो बॉट को फिनिश करता है और रेल बंदे को भी फिनिश करता है और तेमें भाई सामने से बंदों का फायर आने लग जाता है तो हम समझ जाते हैं यहाँ पे एक स्कॉट और है तो, पास बस एक ही कमी थी जो है तो मेरे स्कोप की स्पॉट करने के लिए वैसे जो हो सकता था मैं रेड से ही बंदों को स्पॉट करके डैमेज दे रहा था पर डैमेज देने का फायदा बिल्कुल कुछ भी था नहीं तो भाई यहाँ पे क्या रिफ्लेक्स इस बंदे को नॉक करा अगर ये रिफ्लेक्स बंदे को नॉक नहीं करता तो ये एक ही स्प्रे में वरुण भाई को भी और मुझे भी काफ़ी इजीली फिनिश कर देता है तो सबसे पहले इस बंदे को मैं फिनिश कर देता हूँ क्योंकि अगर इसका टीम आता तो भाई सबसे पहले इसे रिवाइव देता या फिर मेरे पे ही चढ़ जाता तो मैंने रिवाइव की गुंजाइश छोड़ के उस बंदे को कर दिया टोटली फिनिश और सामने एक बंदा और नॉक पड़ा था जिसे वरुण भाई ने फिनिश कर दिया तो अब बचा इनका लास्ट बंदा या फिर दो बंदे जो भाई आपस में ही कैम करके खेल रहे हैं पता नहीं क्या ही कर रहे हैं तो यहाँ पे आराम से मैं स्पॉट करते हुए बंदे को जाता हूँ जैसे बंदा मुझे स्पॉट होता है सामने वाली खिड़की पे तो मैं कर देता हूँ उस बंदे पे अंधा रस और यहाँ पे भाई तीन ही बंदे होते हैं जिनमें से जो लास्ट बंदा ये रहता है तो इसे भी मारने के बाद भाई यहाँ पे इनका कोई टीम बिल्कुल होता नहीं है क्योंकि अगर टीम होता तो भाई अपने टीम को नॉक छोड़े बिना मतलब रिवाइव देने तो हंड्रेड आते ही तो यहाँ पे कोई और बंदा जब स्पॉट नहीं होता तो भाई यहाँ पे भी दो स्कॉट को मारने के बाद हम निकलते हैं भाई इधर से और इधर से निकलते सीधे फ्लेयर ड्रॉप में क्योंकि भाई हमें फ्लेयर ड्रॉप दिखी थी जो है मेरे ख्याल से पोचिंग के पास वाली जो कंपाउंड बॉन हाउस व रहता है रस्ते पे इस वाले बॉन हाउस की पहाड़ी पे भाई यहाँ पे चली होती है फ्लेयर और फ्लेयर चलते चलते भाई सामने मुझे एक बंदा दिखता है जो गाड़ी लेके आ रहा होता है अपने टीम के लिए जिसका टीम मेट ने फ्लेयर चलाई होती है सामने वाली पहाड़ी पर तो इसे भी नॉक कर देता है और जो इसका टीममेट होता है पहाड़ी पे भाई फ्लेयर का वेट कर रहा होता है फ्लेयर का वेट करते करते जिसका टीम मेट होता है वो पहुँच जाता है लॉबी या फिर अपने टीममेट के एक्सपेक्टेड में अब बारी है भाई रियल बंदे की मतलब वो भी रियल बंदा था रियल बंदा जिसने मतलब फ्लेयर मंगाई थी तो इसे मैं काफ़ी ज़्यादा डैमेज देता हूँ डैमेज देके दे ये बंदा पहुंच जाता है शेक के अंदर और जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ ये बंदा शेक से शे निकल के भाई पहाड़ी के डाउन रिच में कूद जाता है और ये बंदा मुझे हो जाता है स्पॉट तो इसे मारने के बाद भाई यहाँ पे वेट करते हैं फ्लैट ड्रॉप का और यहाँ पे मैं और स्पॉट करता हूँ कि भाई क्योंकि इतनी खुली जगह पे ड्रॉप गिरा है तो और बंदे भी मतलब गारंटेड है आएंगे पर यहाँ पे और बंदे बिल्कुल नहीं आते तो यहाँ गाड़ी लेके मैं ड्रॉप लूटने लग जाता क्योंकि अगर ऊपर डायरेक्ट ड्रॉप लूटता तो भाई शायद नीचे गिर जाता या फिर मेरे पास कवर भी ज्यादा कुछ अच्छा खासा रहता नहीं तो यहाँ पे मैं उठा लेता हूँ भाई ग्रोज़ा तो भाई ग्रोजर ड्रॉप लूटने के बाद हम आ जाते हैं दूसरे ड्रॉप में बंदे तो असल में मिलते ही नहीं है क्योंकि भाई यहाँ पे जो होते हैं हैकर होता है पर यहाँ पे हैकर नहीं होता मतलब लॉबी के अंदर हैकर होता है अभी मैंने पहले एक बंदे को नॉक कर दिया बारह दूसरे बंदे की तो मैं कह रहा था भाई हैकर क्योंकि हमें बंदे इसलिए नहीं मिल रहे थे क्योंकि वो हैकर भाई वो बंदों को मारे जा रहा था क्योंकि जो भी बंदे कैंपर होते हैं भाई हैकर ज़्यादातर कैंपर बंदों को मारता है क्योंकि भाई कैंपर बंदे अपनी जगह से भाई पोजिशन चेंज करते नहीं है तो भाई हैकर उन्हें काफ़ी इजिली तो ढूंढ देता है और अगर जो बंदे भाई रैंडम यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं और बंदे को मतलब जो भी किल करने के लिए देखते हैं तो हैकर उनके मतलब लपेटे में बिल्कुल नहीं आते क्योंकि मैंने जितने भी गेम प्ले बनाए उसमें ज़्यादातर हैकर हमें लास्ट जोन में या फिर स्टार्टिंग के फ़ाइट में देखने को मिल जाता है क्योंकि बीच बीच की फ़ाइट में बिल्कुल देखने को नहीं मिलता क्योंकि हैकर ज़्यादातर उन बंदों को मारता है जो बंदे कैम्प करते हैं क्योंकि जो कैम करने वाले बंदे होते हैं उनकी लोकेशन ईज़िली भाई ट्रैक हो जाती है क्योंकि वो बंदे भाई एक ही जगह पर कैंप करते हैं तो यहाँ पर दो बंदों को मारने के बाद भाई यहाँ पर हमारी गाड़ी का फ्यूल कम हो जाता है और जैसे हम यहाँ से जाते हैं उनका जो टीममेट होता है तीसरा वो भी फायर दे देता है तो हमारी गाड़ी चलती है उसी तरफ देखना उस बंदे को कैसे मारते हैं गया गया। अगर तुमने यहाँ पे देखा होगा तो बस छह बुलेट में ये बंदा पिल गया क्योंकि मतलब ज्यादातर इस बंदे को हेड शॉर्ट पड़ा और भाई रैंडम हेड शॉट पड़ा ऐसा भी नहीं कि भाई मैंने बंदे को एम करके बैठा रहा और पड़ गया और वो बंदा काफी इजिली फिनिश हो गया मतलब कुछ ही सेकेंडों में वो बंदा लॉबी पहुंच गया वो पक्का मेरे को हैकर कह रहा होगा तो अभी भी हमें हैकर बिल्कुल नहीं मिल रहा था और इस गेम प्ले के अंदर मुझे पता नहीं था कि भाई हैकर है क्योंकि भाई अभी अभी तक हमारा सामना किसी बंदे के साथ हुआ नहीं और किल फील्ड भी भाई हमें नॉर्मल लग रही थी बट एक बंदे पर डाउट था जो अलोन बॉय करके नाम था वो मतलब लॉबी में उसी का नाम आ रहा था मुझे लगा या फिर बॉट मतलब लॉबी के अंदर बॉट बचे होंगे लास्ट जोन की तरफ मतलब तभी वो बंदे का नाम बार बार आ रहा है और दरअसल में बॉट नहीं वो रियल बंदों को भी मार रहा था तो भाई अभी उसका आमने सामने होने वाला होता है हमारे स्कॉट के साथ तो हम यहाँ पे चेक करते हैं भाई बंदे हैं या फिर नहीं तो बंदे हम जहाँ जाते हैं बंदे भाई स्पॉट बिल्कुल नहीं होते क्योंकि हैकर भाई पूरी लॉबी खाली करता हुआ जा रहा है पूरी लॉबी तो खाली नहीं मतलब काफ़ी अच्छे खासे किल निकाल रहा क्योंकि हमारे भी किल काफ़ी अच्छे खासे निकल गए अगर हैकर भी काफ़ी अच्छे खासे किल निकालेगा तो फाइट निकालना मतलब काफ़ी मुश्किल हो जाएगा बंदे बहुत कम मिलेंगे तो सामने इस बंदे को भाई हेड शॉट हैड शॉट भी पड़ता है ये बंदा भी पहुंच जाता है लॉबी और ये बंदा भाई टी पी ले रहा होता है दीवार की तरफ तो स्टार्टिंग में हमें समझ में नहीं आता कि ये बंदा भाई दीवार की तरफ टी पी क्यों ले जाता है क्योंकि ये बंदा भी भाई हैकर होता है क्योंकि ये टी पी पी इसलिए ले रहा था क्योंकि भाई जो सामने वाली पहाड़ी है उस पहाड़ी पे भाई हैकर होता है अब देखो भाई कैसे मारता है वो हैकर, हैकर है। देखो एक ही स्प्रे में वरुण भाई को भी ले गया और एक ही स्प्रे में भाई मुझे भी ले गया और जो पीछे वाला बंदा था वो जो टी पी पी लिया था जिसने हमने जिसे मारा था तो वो बंदा भी भाई हैकर था तो देख सकते हो है भाई ये बंदा भी हैकर है देख सकते हो काफ़ी दूर से ये बंदों को काफ़ी इजिली मार दे रहा तो ये अपनी स्क्वाड की भाई रैंक फिसिंग करा रहा है तो देख सकते हो भाई ये क्या ही हैकर है तो यहाँ पे जो ये अलोन बॉय है भाई अलोन बॉय एक मतलब हैकर है वो पूरा और ये अपने टीम मेटों के भाई रैंडम भाई देख सकते हैं रैंक पुस्कर करा रहा है क्योंकि इसने एक ही स्प्रे में वरुण भाई और मुझे काफ़ी ईजिली मार दिया तो भाई बी जी एम आई में हैकर तो बैन हो नहीं रही मतलब हो नहीं रही तो क्या ही कर सकते हैं आज के गेम प्ले पर इतने मिलते अगले इतने क्लेसाइड नहीं रहा